चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, इफ द रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन आपसे कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसके रूट्स जो है वो कैसे रियल एंड डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल, रियल और अनइक्वल है, ठीक है। तो रियल एंड अनइक्वल कब होते थे रूट्स, आपको कंडीशन बताई गई थी, नेचर ऑफ रूट्स बताया गया था, रियल एंड अनइक्वल। तो रियल एंड अनइक्वल कब होते थे, जब डी की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, यानी डी से 0 से बड़ी हो, डी इज ग्रेटर देन 0। आपको पता होगा जब नेचर ऑफ रूट्स बताया गया था, जब डी की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो तब क्या होते थे रूट्स, जो होते थे रियल और अनइक्वल होते थे, रियल और डिस्टिंक्ट होते थे कि नहीं। चलिए तो सबसे पहले इस इक्वेशन में हम ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करा के निकाल लेंगे, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, उसके बाद कंडीशन में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो दिया गया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार लिख लिया है, 5x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या है 0, कंपेयर करा लेंगे। ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराएंगे, ए बी सी की वैल्यू निकलेगी, ए की वैल्यू कितनी 5, बी की वैल्यू कितनी माइनस पी और सी की वैल्यू कितनी 1 प्लस 1, है ना। चलिए अब डिस्क्रिमिनेंट आपको बताइए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखिए बी की वैल्यू कितनी माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 5, सी सी की वैल्यू कितनी 1, यहाँ हो जाएगा माइनस पी का स्क्वायर, यानी आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 5 से 20 21 से 20, यानी पी स्क्वायर माइनस 20 आया है ना। अब इसको हम चलिए थोड़ा सा इस साइड सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ये आया है ना, यहाँ देखिए आया पी स्क्वायर माइनस 20, पी स्क्वायर माइनस 20 ये आया। तो पहले देख लीजिए हम कंडीशन भी लिख ले रहे हैं, यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसके जो रूट्स हैं वो कैसे रियल और डिस्टिंक्ट है, यानी रियल और अनइक्वल है। हम लिख देंगे, यहाँ हम लिख दे रहे फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो क्या होता था रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते थे तो क्या होता था, डी की वैल्यू क्या होती थी, डी इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से ग्रेटर होता था। यहां लिख देंगे कंडीशन, डी इज ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। अब यहां पर दे रही सो डी इज ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू क्या निकाली आपने, पी स्क्वायर माइनस 20, यहां लिख देंगे पी स्क्वायर माइनस 20 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं, आपको हम रफली दिखाते हैं तब जान पाएंगे आप, यहाँ पी स्क्वायर माइनस 20 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं रफ में, देखते हैं रफ और पहले, तो यहाँ पे अगर पी स्क्वायर है ना, इसको अगर हम स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर करते हैं, जैसे ये मान लीजिए हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, पी स्क्वायर ये है, पी स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, और पी यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर को हम इधर ट्रांसफर करते हैं क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट लगेगा ना। अब 20 का आप अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, 20 का देखिए 20 यहाँ लिख दे रहे हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 2 × 5, तो यहाँ पे 2 तो बाहर आ जाएगा, तो आएगा 2√5, कितना आएगा 2√5 आएगा, यानी पी की जो वैल्यू आएगी वो 2√5 आएगा, या तो 2√5 आएगा या तो −2√5 आएगा, ठीक है, या तो 2√5 आएगा या तो −2√5 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 2√5 है इसका स्क्वायर करेंगे तब भी 20 आएगा, तब भी 20 आएगा, और −2√5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 20 आएगा, ठीक है। इसको देखिए, अगर ये स्क्वायर है हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, यहां पर देखिए स्क्वायर हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो √20 हो जाएगा ना, √20 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2√5 आएगा ना, तो 2√5 जो आया है वो पी की वैल्यू हो सकती है 2√5 या फिर −2√5, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैसे, क्योंकि अगर 2√5 का आप स्क्वायर करते हो तब भी 20 आएगा, तब भी क्या आएगा 20 आएगा, और −2√5 का आप स्क्वायर करते हो तब भी 20 आएगा, यानी पी के लिए कंडीशन बनेगी, पी की यहाँ पे देखिए दो कंडीशन है, एक तो 2√5 के लिए और एक −2√5 के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, देखिए इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए पी की दो वैल्यू आई है ना, पी के लिए दो वैल्यू, पी के लिए दो कंडीशन बनेगी, एक है 2√5 के लिए और एक है −2√5 के लिए। यहाँ पे देखिए जो पी की वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आई 2√5 −2√5, तो उसके लिए क्या होगा, जो ग्रेटर वाली वैल्यू होगी, तो हम देख सकते हैं पी इज ग्रेटर देन 2√5, पी इज ग्रेटर देन 2√5, या तो पी की वैल्यू 2√5 से ग्रेटर होगी या फिर पी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, लेस होगी इसके −2√5 से,
ठीक है, पी इज ग्रेटर देन टू रूट फाइव या फिर पी इज लेस देन माइनस टू रूट फाइव, ये जो वैल्यू आएगी कंडीशन जो है, ये दो कंडीशन आएगी, इसको हम आंसर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितनी कंडीशन आएगी, दो कंडीशन आए, आपको देखिए रफली दिखाया गया, दो वैल्यू आएगी नहीं, अगर इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, ये पी स्क्वायर है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे रूट टू आएगा, सॉरी इसको स्क्वायर को अगर आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो रूट ट्वेंटी आएगा, क्या आएगा रूट ट्वेंटी, अब रूट ट्वेंटी को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा टू रूट फाइव, और टू रूट फाइव आएगा यहाँ पे दो वैल्यू हो सकती है, या तो प्लस टू रूट फाइव या तो माइनस टू रूट फाइव, क्यों, क्योंकि अगर टू रूट फाइव का स्क्वायर करते हैं तब भी ट्वेंटी आता है, माइनस टू रूट फाइव का स्क्वायर करते हैं तब भी ट्वेंटी आता है, तो दो कंडीशन बनेगी पी की वैल्यू, उधर दो कंडीशन क्या है, ये हमने लिख दिया, या तो पी की वैल्यू जो होगी ग्रेटर होगी किससे टू रूट फाइव से, या तो पी की वैल्यू जो होगी वो कम होगी लेस होगी किससे माइनस टू रूट फाइव से, तो दो कंडीशन बनेगी, दोनों लिख दिया गया। ठीक, कर लीजिए।